हेलो एवरीवन, दिस इज शौर्य बोरा फ्रॉम 91 मोबाइल्स एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 के बारे में। बट इससे पहले हम शुरू करें, एक बार जरा बॉक्स में नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉक्स आपको काफी अच्छे व्हाइट कलर में मिलता है। देयर इज अ स्मॉल ब्रांडिंग ऑफ सैमसंग राइट ओवर हियर। उसके ठीक ऊपर यू विल फाइंड द इमेजेस ऑफ द बड्स एंड राइट अबव इट यू विल फाइंड द लेबलिंग ऑफ गैलेक्सी बड्स 2। मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो कलर मिल रहा है बड्स का वो ग्रेफाइट कलर है। एंड पीछे जैसा आप देख सकते हैं, दे हैव प्रोवाइडेड यू विद सम इन्फॉर्मेशन, दैट इज इट प्रोवाइड्स यू विद क्लियर एंड रिच साउंड विद टू वे स्पीकर्स। इट हैज एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, दैट इज ANC। इट हैज अ कंफर्टेबल फिट एंड इट प्रोवाइड्स यू विद 5 to 20 hours ऑफ प्ले टाइम। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक कार्डबोर्ड इंक्लोजिंग मिलता है। लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू। सो यहाँ पे आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है एंड दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड यू विद अ वारंटी कार्ड एज वेल। तो अब मेन यूनिट के बारे में अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वाइट कलर में आपको मिलेगा एंड एज आई हैव मेंशनड अर्लियर इट इज़ ऑफ ग्रेफाइट कलर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ग्रेफाइट कलर का लाइनिंग भी दिखेगा, विच इफ आई ओपन द केस फॉर यू, देयर यू गो, इट्स सुपर स्लीक, इट्स अ वेरी वेरी हैंडसम लुकिंग ईयरबड्स बाय सैमसंग राइट ओवर हियर। लेट मी जस्ट टेक देम आउट फॉर यू वंस, एक बार। इट्स अ वेरी नाइस ओवल शेप एंड देखने से ही लगता है कि आपके कान में काफ़ी अच्छे से फिट करेंगे। इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अ वेरी सुपर कम्फर्टेबल फिट, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट कीप इट असाइड। इसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे, लेट मी जस्ट एक्सप्लोर द बॉक्स थोड़ा और। सो हेयर यू हैव, लेट मी जस्ट ओपन इट, देयर यू गो। So they have provided you with a USB-C type cable right over here. Take a second. There you go. There's the C type USB cable. And moving on, they have provided you with extra tips. So basically, you know, at times, I mean, I personally, because I have kind of big ears, so I usually go for the larger ear tips, you know, the large ear tips. So that's why I always change my ear tips before using. So based on your comfort, you can also do the same. There you go. तो दोस्तों ये सब आपको मिलेगा Samsung Galaxy Buds 2 के बॉक्स में, पर अब बात करते हैं हमारे मेन यूनिट के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है कि इट्स ऑफ अ वेरी नाइस वाइट एंड ग्रेफाइट कलर एंड यू नो सैमसंग का ब्रांडिंग आपको मिलेगा ठीक ऊपर। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आई थिंक इट कैन ईजिली फिट इन योर पॉकेट्स, बिकॉज एट टाइम्स यू नो TWS द केस इज सो बिग दैट यू नो इट बल्जेस आउट फ्रॉम योर पॉकेट एंड इट नॉट एग्जैक्टली बल्जेस आउट बट काइंड ऑफ मेक्स यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल टू कीप इट इन योर पॉकेट्स, बट दिस लुक्स वेरी कॉम्पैक्ट इन दैट रिगार्ड। एंड उसके बाद अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पे दो चार्जिंग के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो नंबर वन द नॉर्मल सी टाइप चार्जिंग, जिसका उन्होंने केबल ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, एंड इसका इन्हें एक और ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है, दैट इज डॉक चार्जिंग। You know, the wireless dock charging, it also supports that. तो चलिए जरा बड्स के डिजाइन के बारे में भी बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, hold on a moment, there you go. So यहाँ पे आपको दोनों बड्स में dual microphone मिलेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। एंड बड्स जो है इसमें आपको विंडशील्ड नहीं मिलेगा जैसा आपको बड्स प्रो में मिलता है। सो इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ बाइक एंड इफ यू हैव दीज ईयरफोन्स ऑन, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू टॉक, यू कैन नॉट अटेंड कॉल्स वाइल यू आर राइडिंग ऑन अ बाइक। सो दैट कॉजेज अ स्लाइट प्रॉब्लम। सो आई मीन दैट समथिंग विच आई नोटिस्ड एंड यू नो विच आई थिंक दैट दे शुड हैव पुट इट यू नो इन दीज ईयरफोन्स एज वेल। बट एनीवेज, तब भी उनने प्राइस के हिसाब से काफ़ी चीज़ें दे रखी है। तो चलिए अब कनेक्टिविटी की बात करी जाए। सो मेरे पास एक सैमसंग डिवाइस ऑलरेडी है यहाँ पे। सो आई हैव अ सैमसंग गैलेक्सी A52 राइट ओवर हियर एंड देयर यू गो, इट इज़ ऑलरेडी डिटेक्टिंग आर गैलेक्सी बड्स 2। सो लेट मी जस्ट कनेक्ट इट फॉर यू, देयर यू गो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ईयरबड्स में 71% चार्ज है एंड First thing first, you need to download the Galaxy Wearable app on your phone like I have right over here. So let me just, you know, give it some permissions. There you go. So it's downloading some software for your buds.
तो बेसिकली इस ऐप के थ्रू आप काफ़ी चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं टच कंट्रोल्स में जाऊँ, सो डबल टैप में आई कैन प्ले द नेक्स्ट ट्रैक एंड ट्रिपल टैप पे आई कैन प्ले द प्रीवियस ट्रैक एंड टच एंड होल्ड से आई कैन स्विच बिटवीन नॉइस कंट्रोल। तो आपको एक्सप्लोर करने में आपको काफ़ी और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू नो इन लैब्स यू विल फाइंड द गेमिंग मोड विच विल प्रोवाइड यू अ बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस विद दीज बड्स। सो इफ़ यू वॉन्ट दैट यू कैन टर्न इट ऑन। So as you can see, there is the earbud fit test as well, which I'll do shortly. But you know, let me just have a look at the equalizer and select the mode which is more suitable for me. So I mean, right now I prefer a bass boost, so I'll go for that. Okay, so let's take a fit test now. So let me just put these earbuds on, and let me just go to the fit test and let's just start. So there you go, it's fitting very nicely. सो नाउ दैट आई हैव दीज ईयरबड्स ऑन, एक बार ज़रा कम्फर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सी आई हैव बीन यूजिंग TWS फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ TWS एंड दीज आर ईजिली वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल TWS आई हैव एवर पुट ऑन एंड इट शोज दैट सैमसंग पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द कम्फर्ट डिपार्टमेंट, बी इट फॉर द डिज़ाइन और द वेट ऑफ द ईयरबड्स, इट्स जस्ट बैंक ऑन टारगेट। नाउ स्पीकिंग ऑफ द वेट, ये काफ़ी हल्के फुल्के ईयरबड्स है बिकॉज दे आर ऑफ 5 ग्राम ईच। And speaking of the case is of 41.2 grams. So Samsung have made them pretty lightweight, but that doesn't mean that they are light on battery. These earbuds can run for 7.5 hours without active noise cancellation on, but if the active noise cancellation is on, they run for 5 hours. Moving on, the case provides you with a 20 hours of power backup if the active noise cancellation is on, and a 29 hours of power backup if the active noise cancellation is off. एक और कूल फीचर अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी ऐप के थ्रू इसका नॉइस प्रोफाइल कंट्रोल कर रहा हूं। So you know I'm in the ambient mode right now and it's off now and you know I've, the active noise cancellation is on. So I'm doing it via app, but I can also do it using the buds itself by just long pressing it for a while, and there you go, the ambient mode is on now. But again, by just long pressing it again, the active noise cancellation mode is on. And not only that, these buds are also equipped with the latest Bluetooth version, that is Bluetooth 5.0. But one downer about this product is that they come with an IPX2 rating, which I think it should have been higher, at least 6 or 7 would have been great. So that's all folks, this is all about Samsung Galaxy Buds 2. Thank you so much for watching our video.